वार्ड 33 संतोषी पारा व वार्ड 34 शिवाजी नगर के रहवासी काफी वक्त से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। मोटर पंप को बंद कर दिए जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। सुबह होते ही लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए भटकना पड़ता है, जिससे स्थानीय रहवासियों में आक्रोश है। वार्ड 34 शिवाजी नगर मिलन चौक तथा वार्ड 33 संतोषी पारा में नाली से नल जल योजना का पाइपलाइन बिछाए जाने के चलते लोगों तक प्रदूषित पानी पहुंच रहा था और अनेक लोग बीमारियों की चपेट में आए थे, जिसके चलते नगर निगम प्रशासन द्वारा 7 नंबर पंप के बोर का पानी सैंपल टेस्ट कराने के नाम पर मोटर पंप को लोगों को पानी मुहैया कराए बगैर बंद कर दिया गया, जबकि सालों से लोग इसी मोटर पंप से पानी पीते चले आए हैं। अब पानी सप्लाई बंद होने से लोगों के समक्ष पेयजल संकट खड़ा हो गया है। भैया हमका एक महीना होगा पानी हमका नहीं मिलत, हम डंडा लेके चलता, हम बीपी वाला मनाई है, हम पानी नहीं भर पाऊ, हमका पानी चाहिए, एक महीना होगा, सारी जिंदगी यही पानी हम पेट चले जाता है। समस्या नहीं है, आज से नहीं सदियों से पंप का पानी पीते हुए आ रहे हैं। यहाँ पहले 7 नंबर पंप हाउस के पास एक बोर था, जिसका भी पानी बढ़िया था यहाँ का और सब पीते थे, उसमें मोटर गिर गया इसलिए बंद करके फिर बाजू में बोर किया गया, उसका भी पानी बढ़िया है, सब शुरू से पी रहे हैं, उस पानी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये झूठ का हल्ला किया गया है कि इस पानी में खराबी है, ये बोर पानी में खराबी, इसलिए इस बोर को बंद कर दिया जाएगा। बोर में कोई खराबी नहीं है, पानी में कोई खराबी नहीं है। अगर 2-4 लोग को डायरिया हुआ या बीमार पड़े तो वो जो नली में जो पाइप डाल के पाइपलाइन खींचा गया है, लोग पानी खींचे होंगे, नाली का पानी गया होगा, उस नाली के पानी और गंदगी के कारण 2-3 घर को डायरिया हुआ, ना कि उस दिन नल चला तो मेरा पूरा मोहल्ला पानी पिया, मैं स्वयं पी, मेरा परिवार पिया, किसी को तो कुछ नहीं हुआ। फिर ये झूठ एक धांधली करके कि ये बोर का पानी खराब है, कहाँ का पानी अच्छा है, कौन से बोर के पानी में दिक्कत नहीं है, कौन से क्या शिवनाथ नदी के पानी में दिक्कत नहीं है, अगर उसका जांच किया जाए तो हर पानी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन इस बोर में दिक्कत नहीं है। जिस दिन लोग पी के बीमार पड़े उस दिन पूरा मोहल्ला पानी पिया था, सैकड़ों लोग पिए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, और ये पानी बढ़िया है। ये झूठ का एक भरम पाल के कि खराब है लोगों के दिल दिमाग में, इसको भर के और ये पंप हाउस को चाहे जो भी मनसा हो अगले की, इस पंप हाउस को बंद करना चाह रहे हैं, इसका मोटर निकाल के इसको बंद कर देंगे, और ये पूरी जनता हम लोग कह रहे हैं कि ये बोर नहीं बंद होगा। ये इस संबंध में कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने कहा कि पंप को शुरू कराने नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा हुई है, जिन्होंने इसे शुरू कराने का आश्वासन दिया है। भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34 शिवाजी नगर एवं वार्ड क्रमांक 33 संतोषी पारा के बीच में पंप नंबर 7, जो कि इसी पानी से करीब 1000 परिवार के लोग इस पानी को पीते हैं, और इसी पानी के चलते यहाँ के लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध होता है। विगत अगस्त महीने से भिलाई नगर निगम के द्वारा इस पानी को पूर्ण रूप से बंद कर देने के चलते यहाँ पे पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है, जिसके संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी देने के उपरांत जब यहाँ पे मौके स्थल पर पहुँचे तो बताया गया कि यहाँ पर एक महामारी बीमारी फैली थी, जो कि वास्तविकता में वहाँ बीमारी पंप पानी की जो नाली से जो पाइपलाइन गई है उसके चलते फैला हुआ था, परंतु भिलाई नगर निगम अपने बचाव के लिए इस पानी को दूषित बताते हुए बंद कर दिया गया था। परंतु इस संबंध में जब यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा की गई है तो इन्होंने बताया कि अगर इस पानी को पीते तो हम लोग भी बीमार होते हैं, जिसके संबंध में तत्काल यहाँ के नगर निगम के अधिकारी सूरी जी को फ़ोन से चर्चा कर बताया गया और उन्हें बताया गया कि इस बोर को, इस पंप की पाइपलाइन को तत्काल प्रारंभ किया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को पानी की सुविधा मुहैया हो सके, और अगर ये पानी ख़राब है तो इसकी सफाई करवा कर पुनः इसमें मोटर फिट कर तत्काल इसका प्रारंभ करवाया जाए, क्योंकि इसकी पानी की आवश्यकता यहाँ के हर घर घर के लोगों को है। जिस पर सूरी जी ने भी बताया कि मैं इसके तत्काल कार्रवाई करवाते हुए पानी की सफाई करवा कर नल को प्रारंभ करवाने का पूरा कार्य करूँगा। 12 लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने नगर निगम प्रशासन को गंभीरता से पहल किए जाने की जरूरत है।
जिससे वार्ड में जल जनित बीमारियों के फैलने की संभावनाओं पर अंकुश लग सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।